good morning all your students myself harish kumbhar and i welcome you all on my youtube channel excellence english classes today i am here with the scene 7 of act 2 from merchant of venice that has been written by william shakespeare and in this scene we see that prince of morocco has come to make his choice

तो इसलिए इम्पोर्टेंट है यहाँ पर कुछ कंडीशंस भी सामने निकल कर आएंगी और कौन से कैस्केट पर क्या लिखा हुआ था यहाँ एकदम क्लियर हो जाएगा ओके चलिए तो स्टार्ट करते हैं स्टार्ट करने से पहले सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट है प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को बेल आइकन को प्रेस करें आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है सीन फ्लोरिश कॉर्नेट्स एंटर पोर्शिया विद द प्रिंस ऑफ मरक्को एंड बोध ट्रेंस फ्लोरिश कॉर्नेट्स मतलब जो एक इंस्ट्रूमेंट बजता था एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जैसे कोई राजा या रानी पधारते थे यानी कहते कि महाराज पधार रहे हैं तो पीछे से एक साउंड बजता था तो उसी तरफ फ्लोरिश ऑफ कॉर्नेट्स होता था कॉर्नेट्स मतलब साउंड ठीक है आ, मतलब वो इंस्ट्रूमेंट बजता था प्रिंस ऑफ मरक्को पोर्शिया दोनों आ रहे हैं और उनकी ट्रेंस ट्रेंस मींस उनके फॉलोअर्स उनके अटेंडेंट्स ठीक है जो उनके पीछे चलने वाले लोग हैं एंड पोर्शियस इज टू हर सर्वेंट अपने सर्वेंट से बोलती है गो ड्रॉ असाइड द कर्टेंस एंड डिस्कवर द सेवरल कैस्केट्स टू दिस नोबल प्रिंस क्या बोलती है कि जाओ यहाँ जो कर्टन लगा हुआ है कर्टन्स को हटा दो और जो यहाँ पर कैसकेट रखे हुए हैं वो इस राजकुमार को दिखा दो कर्टन इज ड्राउन शोइंग अ गोल्ड सिल्वर एंड लेड कैस्केट तो पर्दा हट जाता है कर्टन हटा देते हैं तो सामने तीन कैस्केट रखे हुए मिलते हैं गोल्ड सिल्वर एंड लेड अब प्रिंस ऑफ मोरक्को से बोलती है नाउ मेक ओ चॉइस अब चॉइस करो तो मोरक्को तीनों कैस्केट को बारी बारी से देखता है तो पहले क्या बोलता है द फर्स्ट ऑफ गोल्ड हो दिस इंक्रिप्शन बेर्स हिस कि पहला कैसकेट जो है वो गोल्ड का है और उस पर यह इंस्क्रिप्शन लिखा हुआ है हु चोज मी शालेन वॉट मैनी मैन डिजायर एंड स्टूडेंट्स यहीं से क्वेश्चन बनने चालू हो जाएंगे इस सीन में कि क्या लिखा हुआ था कैसकेट पर गोल्डन कैसकेट पर क्या लिखा हुआ था व्हाट वॉज रिटन ऑन सिल्वर कैसकेट एंड व्हाट वॉज रिटन ऑन लेड कैसकेट एंड वाई डिड बैसे Why did मोरक्को uh, not choose lead casket और silver casket Why did he choose the golden casket तो यहीं से सारे क्वेश्चन आएंगे तो ध्यान से इसको देखिएगा वीडियो को एंड तक देखिए पूरा देखिए तो क्या लिखा हुआ था Who chooses me shall gain what many men desire यानी जो कोई भी मुझे चूज करेगा वो गेन करेगा उस क्या मिलेगा उसे वो मिलेगा जो बहुत से लोग डिज़ायर करते हैं जो बहुत से लोगों की इच्छा होती है फिर वो आगे बढ़ता है द सेकेंड सिल्वर क्या कहता है सेकेंड कैसकेट है वो सिल्वर का है विच दिस प्रमिस कैरीज़ और उस पर एक प्रोमिस लिखा हुआ है क्या था हु चूज मी शैल गेट एज मच एज ही डिज़र्वस जो कोई मुझे चूज़ करेगा उसे क्या मिलेगा उसे उसकी डिजर्विंग के अकॉर्डिंग मिलेगा मतलब उसे उसकी काबिलियत के अकॉर्डिंग मिलेगा दिस थर्ड डल लेड विद वार्निंग ऑल एज ब्लंट क्या बोलता है इस पर तो बिल्कुल सिंपल वार्निंग लिखी हुई है इसका कलर इतना डल है मतलब बेकार है और क्या लिखा हुआ था हो चूज मी मस्ट गिव एंड हैजर्ड ऑल ही हैथ जो कोई मुझे चूज़ करेगा तो उसे क्या करना पड़ेगा गिवेंड हैजर्ड रिस्क पे लगाना पड़ेगा देना पड़ेगा रिस्क पे लगाना पड़ेगा जो कुछ भी उसके पास है तो कौन भला लगाना चाहेगा एक बेकार सी चीज़ के लिए मेटल के लिए कौन अपना सब कुछ दांव पे लगाएगा तो अब वो सोचता है क्या सोचता है हाउ शैल आई नो इफ आई डू चूज़ द राइट क्या सोचता है कि मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं सही सेलेक्ट कर रहा हूँ या गलत सेलेक्ट कर रहा हूँ इन पर ये जो लिखा हुआ है तो पोर्शिया क्या बोलती है द वन ऑफ देम कंटेंस माय पिक्चर प्रिंस इफ़ यू चूज दैट द नाइम योर्स विदर क्या बोलती है प्रिंस इन तीनों में से किसी एक कैस्केट में, में मेरा पिक्चर रखा हुआ है और तुमने अगर उस पिक्चर वाले कैस्केट को चूज़ कर लिया तो उस पिक्चर के साथ साथ मैं भी तुम्हारी हो जाऊंगी यानी पिक्चर तो तुम्हें मिल ही जाएगा और पिक्चर के साथ साथ मैं भी तुमसे शादी करूंगी। तो मोरक को क्या सोचता है सम गॉड डायरेक्ट माय जजमेंट कहता है कि कुछ गॉड देवता वो अपने देवी देवताओं को।, तो को याद करता है और क्या बोलता है कि प्लीज़ मुझे गाइड करो डायरेक्ट करो मेरे जजमेंट को तो अपने गॉड को याद करता है और क्या बोलता है लेट मी सी आई विल सर्वे द इंस्क्रिप्शन बैक अगेन क्या बोलता है चलो देखते हैं और इन इंस्क्रिप्शंस को फिर से एक बार पढ़ता हूं तो क्या बोलता है व्हाट सेज़ द लेडन कैस्केट? कहता है अच्छा क्या लिखा हुआ है लेडन कैस्केट पे? तो लैडन कैस्केट पे क्या लिखा हुआ था हु चोज मी मस्ट गिव एंड ऑल ही हैथ तो क्या बोलता है मस्ट गिव मस्ट गिव क्या कहता है देना पड़ेगा किस लिए फॉर वॉट किस लिए फॉर लेड एक लेड के लिए मामूली सी मेटल के लिए हैज़र्ड फॉर लेड यानी क्या मैं लेड के लिए हैज़र्ड करूं एक छोटी सी मामूली सी बेकार सी मेटल के लिए मैं रिस्क पे लगाऊं कुछ है? तो क्या सोचता है दिस कास्ट के थ्री टीन्स बोला ये तो बिल्कुल चैलेंज दे रहा है इस पर तो चैलेंज लिखा हुआ है धमकी दे रहा है ये नहीं, नहीं इसको सेलेक्ट नहीं करेंगे तो आगे क्या बोलता है मेन दैट हैज़र्ड ऑल डू इट in होप of फेयर advantages क्या बोलता है कि जो लोग अपना सब कुछ दांव पे लगाते हैं तो इस उम्मीद से लगाते हैं कि उनको कोई फेयर एडवांटेज होगा मतलब कोई बड़ा फ़ायदा या कोई अच्छा फ़ायदा उनको होगा उनको इस बात की उम्मीद होती है तभी वो लोग अपना सब कुछ दांव पे लगाते हैं सब कुछ सपोज़ uh, करो कि अगर कोई बिजनेस करने वाला है उसे लगा कि मुझे बिज़नेस में इतना फ़ायदा होगा तो वो काफ़ी अमाउंट कहीं से भी लाए ले ला लगा देगा आगे क्या होता है अ गोल्डन माइंड स्टूप नॉट टू शोज ऑफ ड्रॉस क्या बोलता है एक जो गोल्डन माइंड है गोल्डन माइंड मीन्स गोल्डन माइंड इंटेलिजेंट पर्सन ठीक है क्या कहता है एक जो इंटेलिजेंट पर्सन है वो कभी भी शोज़ ऑफ ड्रॉस यानी बेकार चीज़ों के देखने से स्टूप नहीं होता है मतलब उनकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होता है कहता है एक अच्छा इंसान एक बुद्धिमान इंसान बेकार की चीज़ों की तरफ़ अट्रैक्ट नहीं होगा उनके बारे में नहीं सोचेगा तो अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट समझता है तो क्या बोलता है आई एल देन नॉर गिव नॉर हैजर्ड ऑट फॉर लेड तो क्या कहता है न अब मैं तो ऑट भी यानी कुछ भी नहीं दूंगा एनी कि मैं तो लेड के लिए कुछ भी रिस्क नहीं लगाऊंगा बिल्कुल भी हैजर्ड नहीं करूंगा आए क्या बोलता है तो आगे प्रिंस ऑफ प्रिंसा क्या बोलता है What says the silver with her virgin hue? कि सिल्वर पे क्या लिखा हुआ है और इस पर वर्जिन मतलब इसका एकदम प्योर वाइट कलर जो शाइनिंग कलर है सिल्वर पे क्या लिखा हुआ है तो उसका मीनिंग इंटरप्रेट करते हुए क्या बोलता है Who तो उसने एक लाइन को पकड़ लिया एज मच एज ही डिज्वस क्या कहता है अच्छा एज मच एज ही डिजर्व इसका मतलब क्या है कि जितना काबिल इंसान होगा उसको उसके अकॉर्डिंग मिलेगा तो क्या बोलता है पॉज देयर मोरक्को कहता है मोरक्को यहीं रुको और सोचो एंड वे दाई वैल्यू विद एन ईवन हैंड और क्या कहता है बराबर हैंड से तोल कर देख लो अपनी वैल्यू की तुम्हारी वैल्यू क्या है तुम क्या क्या डिजर्व करते हो यहीं पे सोच लो क्योंकि कैसकेट बोल रहा है डिजर्व करता है कि जो जितना डिजर्व करता हो उतना तो मिल जाएगा तो मैं ये देखता हूं कि मैं कितना डिजर्व करता हूँ और मुझे क्या क्या मिल सकता है फिर सोचेंगे तो क्या बोलता है इफ़ दो बीस्ट रेटेड बाई द एस्टिमेशन क्या कहता है अगर तुम्हें तुम्हारी एस्टिमेशन तुम्हारी वैल्यू मालूम है तुम्हारी नज़रों में तुम्हारी वैल्यू का रेटिंग बहुत अच्छा है दो डस्ट डिज़र्व इनफ क्या बोलता है तो तुम तो बहुत कुछ काबिल हो बहुत कुछ डिज़र्व करते हो यू डिज़र्व अ लॉट एंड येट इनफ मे नॉट एक्सटेंड सो फार एज़ टू द लेडी और क्या बोलता है फिर भी ये जो इनफ वर्ड है वो इस लेडी तक तो एक्सटेंड नहीं होता है यानी सिर्फ यहीं तक बात नहीं रुकेगी एंड येट टू बी अफियर्ड ऑफ़ माई डिज़र्विंग वे आर बट अ वीक डिसेबलिंग ऑफ माई सेल्फ और क्या सोचता है अगर मैं ये सोच लूँ कि मेरी जो डिज़र्विंग है वो काफ़ी नहीं है और इस बात से मैं डर जाऊँ तो क्या होगा तो ये क्या होगा वीक डिसेबलिंग ऑफ माई सेल्फ तो यानी मैं अपनी काबिलियत को ख़ुद ही डिसेबल कर दूँगा मेरी नज़रों में मेरी काबिलियत कुछ नहीं रहेगी मैं खुद गिर जाऊँगा और क्या बोलता है एज मच एज आई डिज़र्व अच्छा एज मच एज आई डिजर्व जितना मैं काबिल हूँ अब बोलता है वाई दैट्स द लेडी आई डू इन बर्थ डिज़र्व हर एंड इन फॉर्च्यून्स क्या बोलता है अरे ये जो लेडी है ना इसको तो मैं अपने बर्थ से ही डिज़र्व करता हूँ अपनी फॉर्च्यून यानी अपनी किस्मत से ही डिज़र्व करता हूँ और आई क्या बोलता है इन ग्रेसेस एंड इन क्वालिटीज़ ऑफ ब्रीडिंग ग्रेसेस यानी अपने स्टैंडर्ड लाइफ स्टैंडर्ड क्वालिटीज ऑफ ब्रीडिंग क्वालिटीज ऑफ ब्रीडिंग मीन मतलब पालन पोषण का तरीका ठीक है बच्चे घर में कैसे पाले जाते हैं उसका तरीका तो कहता है इतनी सारी चीज़ों से तो मैं पोर्शिया को वैसे ही डिज़र्व करता हूँ बट मोर देन दीज इन लव आई डू डिजर्व और क्या बोलता है कि इन सबसे ज़्यादा बढ़ कर क्या है कि मैं पोर्शिया से प्यार करने लगा हूँ इस वजह से डिजर्व करता हूँ वट इफ़ आई स्ट्रेड नो फर्दर बट क्लो बट चूज़ हेयर क्या बोलता है क्या होगा अगर मैं आगे नहीं गया आगे नहीं जाने का मतलब कि मैंने किसी और कैसकेट को नहीं देखा और सिल्वर कैसकेट को अगर मैं चूज़ कर लूँ तो क्या होगा तो कहता है चलो अभी रुक जाओ जैसे हम बहुत सारी चीज़ों को सिलेक्ट करते हैं दस पंद्रह चीज़ों में से तो कहते हैं चलो एक ये छाँट लिया हमने एक दूसरा देखते हैं निकाल के जो सही लगेगा उसको सिलेक्ट कर लेंगे तो उसने पहले अपना मन बनाया सिल्वर कैसकेट के लिए उसके बाद कहता है चलो रुको अभी देखते हैं लेट्स सी वंस मोर दिस ग्रेव्ड इन गोल्ड क्या कहता है ये जो गोल्ड कैसकेट पर लिखा हुआ है इसकी कहावत को और देख लें इसकी सेइंग को और देख लें वो चोज शैल गेन वट इज उसने पढ़ा एक बार और फिर से उसका मीनिंग पढ़ने लगता है क्या बोलता है वाई दैट्स द लेडी ऑल द वर्ल्ड डिजायर सर कहता है यही तो लेडी है दिस इज द लेडी द होल वर्ल्ड डिजायर्स पोर्शिया होल वर्ल्ड कम्स टू बेलमोंट टू सी फेयर पोर्शिया क्या बोलता है फ्रॉम द फोर कॉर्नर्स ऑफ द अर्थ दे कम टू किस दिस श्राइन दिस मोर्टल ब्रीदिंग सेंट और क्या बोलता है कि दुनिया के चारों कोनों से वो लोग आते हैं वो लोग कौन सूटर्स यानी जो भी उसका उसको जीतना चाहते हैं लॉटरी ऑफ कैस्केट को सिलेक्ट करके तो क्या कहता है वो सभी आते हैं श्राइन को किस करने के लिए और इस मोर्टल ब्रीदिंग सेंट को किस करने के लिए मतलब इसके पैरों को छूने के लिए तो श्राइन यहाँ पर जो दिया है तो श्राइन का मतलब क्या है श्राइन मीन्स अ होली प्लेस वेयर होली एडवाइस ऑफ अ पर्सन और रिमेनिंग बीन केप्ट यानी जहाँ पर किसी इंसान या किसी पवित्र इंसान की बच्ची खुची अस्थियाँ या फिर बॉडी पार्ट्स को सुरक्षित करके रखा जाता है उसे श्राइन बोलते हैं जैसे वैष्णो देवी श्राइन ठीक है और मोटल ब्रीदिंग सेंट सेंट का मतलब कोई संत महात्मा का भी जो स्थान होता है उसे भी हम श्राइन बोलते हैं बट ब्रीदिंग सेंट किस लिए आ, किस लिए कहा गया पोर्शिया को पोर्शिया ने आ, पोर्शिया को उसने जीते जागते संत या महात्मा से कंपेयर किया और बेलमोंट को एक श्राइन से कंपेयर कर दिया किस लिए क्या कहता है जिस तरह बहुत सारे लोग श्राइन पे जाते हैं ठीक है, है? पूजा करने के लिए घूमने के लिए उसी तरह बहुत सारे लोग पोशिया के यहाँ बेलमोंट जाते हैं तो बेलमोंट को उसने श्राइन बता दिया और पोर्शिया के लिए कहा कि ये जीती जागती महात्मा संत की तरह है जहाँ पर बहुत सारे लोग आकर अपना सर झुकाते हैं और यहाँ पर लोग पोर्शिया को देखने के लिए आते हैं तो आज के लिए इतना आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा लाइक करिए कमेंट करिए कैसा लगता है अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें थैंक्स फॉर वॉचिंग हैव अ वंडरफुल डे